चाहिए था। चलो खैर शायद अच्छा जी, वो वादा जो हमने पिछले घंटे में किया था, ऑल द बीटीएस आर्मी स्टे अटेंटिव, कोरियन बैंड बीटीएस ने चंद सालों में दुनिया भर में गैर मामूली शोहरत हासिल की है, खासतौर पर नौजवान इस बैंड के दीवाने हैं। बड़ी अच्छी तरह अंदाजा हो गया। और अब आपको पता है ना, मारूफ जरीदा है टाइम्स मैगजीन, इसने बीटीएस को 2020 का एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। और इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट भी है जो खास तौर पे बीटीएस के फैंस हैं। एंटरटेनर तो ये हैं, ये फिलैंथ्रोपी और सोशल वर्क बहुत काम करते हैं। क्योंकि हमने भी बड़ा, वैसे टू बी ऑनेस्ट आप लोगों की वजह से रिसेंटली हमें बहुत कुछ पता चला है बीटीएस के हवाले से। ये रिपोर्ट देखें। ये वो नाम है जिसने दुनिया भर को अपनी लपेट में लिया हुआ है। जनूबी कोरिया से ताल्लुक रखने वाले इन सात नौजवानों ने हर तरफ कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। यही नहीं, मोतबर जरीदे टाइम ने बीटीएस को 2020 के एंटरटेनर ऑफ द ईयर का एजाज दिया है। Quite a bit more special for us because we had the best news and the worst news. The worst news is of course the pandemic and the tour cancellation. The best news was of course we had the number one on Billboard. Duniya ke maqbool tareen band BTS ki peshkadmi ko corona waba bhi na rok saki. COVID-19 ne duniya ko hila kar rakh diya. लेकिन बीटीएस का दुनिया भर में अपने शायकीन या बीटीएस आर्मी से रिश्ता मजीद मजबूत होता चला गया। उरे उरिए के 희망을 주고 행복을 줬던 것은 나온 온라인 콘서트 팬이었고요. 그리고 멤버였고요. 또 다 같이 이렇게 노래 만들고 춤추고 연습하고 이런 원래 우리가 하던 일상들이 다시 행복이고 희망이었던 것 같아요. 사실 뭐 저희의 존재의 이유가 뭐 많은 분들이 저희의 음악을 들어주시기 때문에 존재하는 거고, 저희는 진짜 밑바닥에서부터 쭉쭉쭉 천천히 이게 올라가는데 같이 뭔가 동반 성장한 그런 느낌이라서 서로 뭔가 그 깊은 마음을 아는 것 같아요. 미국에서 사실 아미 때문에 저희가 사실 떴던 거 같아요. 그쵸 그쵸. बीटीएस की ब्रांड मालियत $5 अरब से जायद है। 2010 में अपना सफर शुरू करने वाले ये सात नौजवान आज जनूबी कोरिया की मईशत में 0.3% हिस्सा डालते हैं। उनका गाना डायनामाइट बिलबोर्ड चार्ट पर पहले नंबर पर रहा और दुनियाए मौसीकी के मोतबर तरीन अवार्ड ग्रैमीज ने 2021 के लिए इस गाने को अवार्ड के लिए नामजद किया।계속해서 뭔가 이 한국 문화가 발전해 나아가고 있다는 거에 대해서는 일단은 굉장히 긍정적인 생각을 가지고 있고요. 사실 그런 부분에 대해서 앞으로도 뭔가 더 발전이 되고 더 나아갈 수가 있다면은 저희가 할 수 있는 부분에서 뭐 음악이든 뭐 퍼포먼스든 최선을 다해서 좋은 모습 보여드리는 게 사실 그게 좋을 것 같아요. 비틀즈라는 그룹 과 이제 비교를 된다는 것 자체가 너무 영광스럽고 너무 기쁜 말인 것 같아요. 저희는 뭔가 다른 점이 있다면 저희는 7명이고요. 근데 그 얘기하는 건데 저희는 춤도 추고 노래도 하고 우리 예능도 하고 뭐 이런 우리의 좀 케미도 많이 보여주면서 여러 방면으로
이제 삶을 살아가고 있습니다. Life goes on. 라와산 अक्टूबर में BTS ने सबसे बड़ा वर्चुअल टिकेटेड शो मुनक्किद किया जिसकी 10 लाख टिकटें फरोख्त हुईं और इस इवेंट से इन नौजवानों की आमदनी में करोड़ों डॉलर्स का इजाफा हो गया। YouTube पर उनके गाने 13 अरब से ज़ायद बार देखे जा चुके हैं और कहा जाता है कि BTS को कड़ा मुकाबला सिर्फ BTS ही देता है। I think that's just a kind of like a cliche for after the Beatles. And we're just some boys from Korea who love music and performance. That's it. Yeah, nice. That's it. Yeah. You know, the last line, they seem very grounded and humble. कि हम बस हम जनूबी कोरिया से ताल्लुक रखने वाले चंद नौजवान हैं जिन्हें मौसीकी से इश्क है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग एट द एंड। मतलब बेसिक तो यही होगा ना, उसके बाद फिर पागली होगी पूरी दुनिया इनके पीछे, तो वो तो बाद में आया होगा। तो इनका दिल जो था वो आई गेस सही जगह पे था व्हेन दे स्टार्टेड ऑफ। अच्छा जी, सो ब्रेक लेनी है हमें एक। क्यों ब्रेक लेनी है? आप बहुत ब्रेक लेते हैं, मैं बता रही हूँ। मेरा ख्याल है कि चले ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, इजाजत। Kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking on.